सीता मैं हम कब से वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर कौन हमारी बात सुनी थी नहीं है। कम से कम तुम तो हमारी बात सुन लो, हम वहीं जाके रुके जहाँ हमारी मन चले। अब नीचे पानी गिरा है, सामान बिखरा पड़ा है, लुक अराउंड। नहीं कुछ नहीं है। फिर तुम गिर क्यों गई इमली? हाँ? का? मैंने पूछा बिना किसी रीजन के तुम फिर से गिर क्यों गई? गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण समझो, ग्रेविटी, अब समझे? और ये अजीब सवाल लेके हमारे पीछे काहे पड़े हो? तुम बार बार इसलिए गिरती रहती हो इमली, क्योंकि तुम यहां यहां फालतू का बोझ लेकर घूमती रहती हो। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ लेकर घूमोगी तो खुद ही गिरोगी। तुम्हारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में तुम्हारा नाम क्यों नहीं था इमली? अपने लिए क्यों नहीं था वो? तुम्हारे रेजोल्यूशन तुम्हारे अपनों के बारे में रहना, तो अगर हम अपनों के बारे में कुछ करे के चाहते अपने अपनों के बारे में, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क है, तुम्हारे अपनों में और मेरे अपनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जिसका साथ ना छोड़ने का वादा कर रही थी ना, उनमें से कुछ लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेरे अपने जिन्होंने आज तक मुझे हर्ट नहीं किया और ना ही करेंगे, फर्क है। कितने साल के हो तुम? 19, 20? Then why don't you act your bloody age? मदर इंडिया क्यों बन के घूमती रहती हो तुम? जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है, अच्छा ही भी नहीं। तुम एक इंसान हो, धोबी का गधा नहीं। दुनिया भर का बोझ तुम अपने कंधों पर लेकर घूमती रहोगी। सबसे बड़े गधे ना तुम हो, जॉन तो कई लागत है कि कौनों के खातिर उके अपने बोझ हो सकत है। हमरे खातिर लोगन बोझ नहीं है, हमारी दुनिया है। और हम तो कई सब काहे पता है, ये हमारे रेजोल्यूशन, हमका जॉन कहे क्या, जॉन बना के हम करी है, क्या प्रॉब्लम है? तो का प्रॉब्लम मेरी ये है कि तुम्हारे इन अपनों में मिस्टर त्रिपाठी भी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इमली, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर, से समथिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, झूठ 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 काहे बोलिए हम, गम काहे झूठ बोलिए, झूठ बोले कौवा काटे, हम कौवे से जाके खुद को काटा काई। चुप, मैं तुम्हारे मुंह से एक और बहाना नहीं सुनना चाहता। नो, यू नो द ब्लडी प्रॉब्लम, मुझे लगता था तुम स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, समझदार हो, बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, अलग हो उनसे। बट गेस व्हाट, आई वाज रॉन्ग। तुम्हारी सिर्फ बातें अलग है, एक्शन तुम्हारे वही हैं। इतने ड्रामेटिकली हैंड कर्चिफ जलाकर तुमने उस दिन अपने आंसुओं का अंतिम संस्कार किया था, राइट? बाबू साहब के खातिर ना तो अब रोए के ना, हम कामरी सीता मैया की सौगंध है। बाबू साहब के खातिर हमारी आंख से गिराई आखिरी आंसू है। और उसके अगले दिन रो पड़ी तुम? तुमने मुझे बोला था कि तुम मजबूत इमली बनना चाहती हो, मजबूर इमली नहीं। आज इमली अपन आंसू का अंतिम संस्कार कर रहे थे, हाथ से हम मजबूत इमली है, मजबूर नहीं। सब बातों का क्या हुआ इमली? कुछ नहीं हुआ है, कहे कि दो दिन में कुछ हो भी नहीं है, और हम झूठ नहीं कह रहे, हम बाबू साहब के पीछे अभी भी अपन जिंदगी वेस्ट नहीं करी है। ओरियोली, इज दैट सो? फिर एक बार तुम्हारे बाबू साहब ने फोन क्या नहीं उठाया? तुम कहां भागी जजी आई थी? काम, बस काम के खातिर पकड़नी, आप फोन करते रहे अपडेट लेके। इनफ, स्टॉप इट, इनफ। झूठ बोलकर, बहाने बनाकर तुम बार बार एक ही चीज प्रूव कर रही हो कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता था। प्रॉब्लम इस, तुम्हें आदत हो गई है खुद को विक्टिम बनाने की, कमजोर पड़ने की। नो व्हाट,
आई थिंक इट्स फाइन. डू व्हाट द हेल यू वांट. तुम अपना रेजोल्यूशन बनाओ, निभाओ. मैं अपना निभाता हूं. बट लेट मी टेल यू समथिंग इमली, आज तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है. हम तो निराश नहीं करे के चाहते हैं, पर जौन से हम एक बरस से प्रेम करते रहे, वो प्रेम करना कैसे छोड़ते हैं. सॉरी सर, पर एक चिंता हमारे हाथ में नहीं है. I'm sorry, इमली. लेकिन इस साल हम दोनों में से सिर्फ एक इंसान का रेजोल्यूशन पूरा हो सकता है, क्योंकि तुमने जिसका साथ देने की कसम खाई है, मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा. ये चिंता आपको तब नहीं हुई जब आपका बेटा मेरी बेटी को अकेला छोड़कर पगडंडिया निकल गया. ऑब्वियसली वो काफी टेंशन में है, उसका बीपी लो हो गया है. बहुत रोकने की कोशिश की थी हम सबने आदि को. कोशिश है? आज तक आपकी कोशिशों से कुछ हुआ है क्या? जॉब हो जाएगा और आपका लड़का एक कॉल तक नहीं कर सकता है मेरी बेटी को. मैं काम करती हूँ, मैं जाकर इमली से पूछती हूँ. फैंटास्टिक, यही सॉल्यूशन निकाला है ना आपने, जिसके वजह से आपका बेटा पगडंडिया चला गया. आप उसी से पूछेंगी कि आदित्य कहाँ है. मिसेस त्रिपाठी, लेट मी टेल यू कि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के बीच. रिश्ता है, अब भी है, कोलीग्स है, वो दोनों साथ में काम करते हैं. और इमली से नहीं तो किसी और से तो बात हुई होगी ना आदि की ऑफिस. और अगर नहीं हुई है तो पगडंडिया में और कौन है जो हमें आदित्य की खबर लाकर दे सकता है. तुम त्रिपाठी कोई मौका नहीं छोड़ते हो उस नौकरानी के नाम की माला जपने की. तपने कसने से वक्त मिलेगा आपको, तभी समझ में आएगा ना कि आदि की खबर इस वक्त इमली के सिवा और कोई नहीं दे सकता हूँ. चिंता हम सबको हो रही है, बहुत हो रही है. और मालिनी और हमारी चिंता अगर कम करनी है तो इमली से पूछने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है. यही तो रास्ता बंद करना है मुझे. मैं उस नौकरानी की बात आदित्य से नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी नहीं चाहती कि वो दोनों बात करें. और मैं नहीं चाहती कि उस नौकरानी का इस फैमिली से कुछ कनेक्शन हो.